तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे। अरविंद अकेला कल्लू और उमा यादव दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन, बनारसों के बनारस के पुरुषों के द्वारा गंगा माँ दुर्गा की आरती, गंगा आरती, सभी तरह के आयोजन है। दो दिनों का लेजर शो भी है जिसमें मोदी जी ने जितने मंदिरों का विकास का काम किए, जितने कॉरिडोर बनाए, जितने जगह वो तप करने के, वो सारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेजर शो के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनता और रांची की जनता को दिखाएंगे। वन पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, माँ के नौ रूप को बिलेजा शो से दिखाया जाएगा, आकर्षक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से पूरे झारखंड और रांची की जनता को कहना चाहते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए और माँ की भक्ति में लीन हो, माँ का आशीर्वाद ले और भजन का भी आनंद ले। और बहुत सारे कलाकार जुटे हुए हैं यहाँ पे और भी सारे कलाकार आने वाले हैं, तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और मस्ती में झूमते रहिए और रांची को झुमाते रहिए। रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे, हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाएं कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से एक रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुंचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि राजनेता, पत्रकार और डॉक्टर तीनों मिलकर उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। फर्जी एफआईआर को चलाने में विधायक सरयू राय, पत्रकार आनंद कुमार और उनके विभाग के एक डॉक्टर उनकी छवि खराब करने में जुटे हुए हैं। रांची और जमशेदपुर में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। उसको जब 751 बेड का हॉस्पिटल बना दिया और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन करा दिया और उसी में जो है हमने 100 बेड का सीसीयू का भी शिलान्यास करा दिया और एमजीएम अस्पताल जो वहाँ पर इतने साल से वहाँ जो है इतनी सरकारों में जो है दुर्व्यवस्था का शिकार था, वहाँ भी जो है 500 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो गया, तो इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई जब आप दूसरे का चरित्र हनन करेंगे तो आपका भी जो है चरित्र हनन होगा। हम लोग तो शादीशुदा हैं, शादी किया है, अग्नि का साथ फेरा लिया है, लेकिन आपकी अग्नि की साक्षी जो है आपकी धर्म पत्नी के बारे में कोई नहीं जानता है। वो तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पता, जो मनोज सिंह ने बताया कि चंपा देवी नाम है उनका, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। अब पत्रकार भाई हिम्मत भी नहीं कर रहे उनसे पूछने की कि भाई आखिर कौन है वो, आज तक कभी सुना था? वो तो मनोज सिंह उनके जो साड़ू भाई थे उनके घर में रहते थे तो शायद वो जानते थे, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। हम लोग तो केवल जान रहे हैं कि जो पूजा हो रही है, पूजा में बगल में जो बैठ रही हैं वो उनके साथ उनके मित्रवत संबंध है, गहरे संबंध है। तो एक बार हमारे सवालों का जवाब भी तो जरा पूछिए विद्वान लोगों से। और अभी तो मैं केवल ये एक एपिसोड पर बोल रहा हूं, अब आप सुनिएगा जल्दी जल्दी, आपको कई कई एपिसोड मिलेंगे। यदि वो मर्द हैं तो मर्द की तरह लड़ें, जिस प्लेटफॉर्म में आके लड़ेंगे उस प्लेटफॉर्म में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज चूंकि उनको पूर्वी से टिकट नहीं मिल रहा है और वो 3-13 तिकड़म लगाए हैं, नहीं मिल रहा वहां से टिकट, अब उनको पश्चिम से लड़ना है, तो पश्चिम से लड़ना है तो पहले भूमिका बांध रहे हैं, हम यहां से लड़ू, वहां से लड़ू, वहां से लड़ू। अरे आप लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तोप है, तिस्मार खाए कौन चीज है? अरे आप बहुत डरपोक आदमी हैं, आप निहाय डरपोक और भ्रष्ट आदमी हैं। आपने आहार पत्रिका में जो बातें आई हैं और जो आप जो
जिनको आपने एक्सटेंशन दिया है वो सारी चीज़ें परत दर परत निकलेंगी। एक दिन प्रेस को कह रहे थे वो फॉलोअप वाले को, मंत्री जी तो खाली तन जानते हैं महिला का, तो आप मन तो जान ही गए हैं राय जी, मन तो अंदर तक जान गए, और मन ही जान के तो छोड़िए क्या बोलेंगे, बोल देंगे तो बहुत ख़राब बात भी मेरे पास है, बोल देंगे तो छोड़िए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो बोल दूँगा ना तो कहीं का रहेंगे नहीं, हमारे पास वो चीज़ें हैं, आप क्या बात करिएगा, करिए आप, आपको दिखाते हैं हम बहुत चीज़ जो आप सोचते होंगे कि आप बहुत बड़े तोप हैं, तो आपका भी तोप का जो है गोला सब गायब कर देंगे हम। मेरा नाम बन्ना गुप्ता है, पूछिए अभी। देखिए नाम बता देंगे आप लोग भी जानते हैं, लेकिन नेता बन जाएगा। देखिए पुलिस का आपको जल्दी पता भी चल जाएगा, कुछ पुलिस का अनुसंधान भी हो रहा है, कुछ यहाँ भी केस हुए हैं, कुछ जमशेदपुर में भी केस हुए हैं, और कुछ इनके भक्त लोग बराबर आके बोलते हैं सार्वजनिक, हाँ हाँ हम तो बोलेंगे फेसबुक में, जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, हम तो बोलेंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि बन्ना गुप्ता मार खा के जेल जाके लड़ के नेता बना है, तुम्हारे जैसा कायर कमज़ोर नहीं है, और हम लड़ेंगे तो लड़ाई जो है ना बिल्कुल डंका की चोट में होगी, और जिस दिन होगी उस दिन फिर होगी। कौन चीज की? अरे भाई वो कोर्ट का चीज को मैं क्या करूंगा, जो कोर्ट में जब सारी चीज कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट से ऊपर हम हैं, जो कोर्ट कोर्ट के ऊपर हम हैं क्या? नाम देखिए आपको बता दे रहे हैं, आप नाम सुनिए, खाली नेता का नहीं बोलेंगे, छोड़िए ना। देखिए सुनिए सुनिए नाम हम बता दे रहे हैं आपको, रात तक नाम भी क्लियर हो जाएगा। आप जमशेदपुर पुलिस को फोन कर लीजिए, प्राथमिकी हुई है उधर। अरे आप ही तो सुनिए, नहीं नहीं पत्रकार बिरादरी मत बोलिए, इसको अन्यथा मत घुमाइए, नो पत्रकार बिरादरी मत बोलिए, पत्रकार का मतलब है जो निर्भीकता निष्पक्षता स्वतंत्रता के साथ काम करे, जो आलोचना और समालोचना भी करे। मेरा कोई पत्रकार समूह से कोई बात नहीं है, इसको आप डाइवर्ट मत कीजिए। पत्रकार व्यक्ति भी होता है, किसी का साथी भी होता है, किसी का समर्थक भी होता है, किसी का पति भी होता है, किसी का पत्नी भी होती है, इसलिए आप पत्रकारिता को समूह में मत बांधिए। यदि पत्रकार समूह को मैं कहूँगा तब आप कहिएगा ये सब अटपट टॉक। देखिए एक आपका पत्रकार का मैं नाम बोल दे रहा हूँ, जब इन्होंने कहा है वो जन मन की बात के पत्रकार हैं आनंद जी, जो सरजू राय के निजी सहायक हैं, जो आहार पत्रिका में भी एक्यूज्ड हैं। दूसरा एक वो चिकित्सक है, लेकिन चूँकि मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ इसलिए मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं अपने अधीनस्थ के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर उसका नाम लूं। और एक नेता है, अब नेता को यदि हम कुछ बोलेंगे, हमको बहुत सारे नेता गाली दे रहे हैं, तो हमको आके बोलते भी हैं बन्ना भाई एक बात बोली तरह के, एक बार हमार बारे में तनी तू पेपर में बोल दिया ना भाई तो हम नेता हो जाए, तो हम पैसा दो बोलेंगे, हम बनिया हैं तुम पैसा दो, यदि हमारे बोलने से तुम नेता होगा तो तुम्हारा यदि धंधा चमकाएंगे तो बोलेंगे। तभी तो हम एक नेता पर भी बोलना नहीं चाहते थे सरजू राय पर, लेकिन सरजू राय पर बोल रहे हैं, फोकटिया फ्री में बोल रहे हैं, इसलिए लड़ाई आप लोग का युगों युगों से चलता आ रहा है।
मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।